तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो अक्षर से मिलकर बने उ मात्रा वाले शब्द, यानी कि ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर का पार्ट 15 है। ठीक, ई मात्रा वाले शब्दों को हम लोग पढ़ना लिखना सीख गए थे उर्दू में, अब बात आती है उ मात्रा की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी उर्दू के हर्फ को उ मात्रा में बदलना है तो हमें क्या करना होगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ये है आप लोगों का हिंदी का छोटा उ और ये है हिंदी का बड़ा उ। ठीक, इन दोनों का संकेत क्या होता है, सिंबल। छोटा उ को किसी भी हर्फ यानी कि किसी भी अक्षर के, अगर अक्षर में छोटा उ की मात्रा है तो उसके नीचे ये वाला छोटा उ रहेगा, इसका सिंबल, छोटा उ का सिंबल ये है और बड़ा उ का सिंबल ये है। जैसे कि मान लीजिए कु लिखना है तो अगर इधर से है तो समझ लीजिए छोटा उ, और अगर कु इधर से है तो समझ लीजिए ये बड़ा उ है। ठीक, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे हिंदी में। ठीक, तो छोटा उ और ये हो गया बड़ा उ। ठीक, ये छोटा उ का सिंबल, ये बड़ा उ का सिंबल। अब बात आती है कि अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में हम कैसे लिखेंगे, छोटा उ को उर्दू में क्या कहते हैं और बड़ा उ को उर्दू में क्या कहते हैं, ये पहले समझ लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसी भी अक्षर को उ की मात्रा में बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे। देखिए, छोटा उ आप जानते हैं कि अलिफ से क्या होता है, अ होता है। अलिफ सिंपल ये है, अलिफ से अ। तो जब आप अलिफ के ऊपर ना सिर्फ एक पेश लगा देते हैं, देखिए इसको बोला जाता है पेश, ये जो छोटा उ है ना बिल्कुल इसी तरह बनता है पेश, बस इसका साइज़ छोटा कर देना है। ये जो छोटा उ है इसका साइज़ छोटा करके इतना छोटा कर देंगे ना तो बस ये क्या बोला जाएगा, उर्दू में पेश बोला जाता है इसको। तो जब अलिफ के ऊपर आप इस तरह पेश लगा देंगे तो ये अलिफ पेश उ हो जाएगा, इस तरह लिखा जाता है उर्दू में उ। ठीक, ये है छोटा उ। अब बात करते हैं कि बड़ा उ उर्दू में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अलिफ के ऊपर पेश लगाकर ये तो छोटा उ हो गया, बस इसमें आप वाव जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, वाव। ठीक है, तो अलिफ वाव पेश, ये हो गया आप लोगों का बड़ा उ। ठीक है, तो उर्दू में छोटा उ इस तरह लिखा जाता है अलिफ पेश उ, और बड़ा उ अलिफ वाव पेश उ। ठीक, ये याद रहेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि अगर दूसरे हर्फ, दूसरा अक्षर है, जैसे कि मान लीजिए कु है, ये छोटा वाला कु और ये हो गया आप लोग का बड़ा वाला कु, तो इसको हम लोग उर्दू में कैसे लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि काफ से क्या होता है, क होता है। ठीक, अब छोटा उ है, देखिए छोटा उ है ना, तो इसको कु बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह यहाँ पर अलिफ के ऊपर पेश जोड़े थे तो अलिफ के ऊपर पेश जुड़कर उ हो गया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर काफ है, काफ से तो क हो गया है, लेकिन काफ के ऊपर जब आप लोग पेश लगा देंगे इस तरह यही वाला पेश, तो क्या हो जाएगा, ये काफ पेश कु हो जाएगा। तो देखिए, अगर छोटा उ रहेगा तो सिर्फ पेश लगा देना है, उस हर्फ उस अक्षर के ऊपर क्या लगा देना है, पेश, तो वो उ की मात्रा में बदल जाएगा। तो देखिए, काफ के ऊपर पेश लगा दिए तो काफ पेश, ये हो गया आप लोगों का कु। कौन सा वाला उ की मात्रा है, तो ये छोटा वाला उ की मात्रा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला कु है, मतलब बड़ा वाला उ की मात्रा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं कि काफ से क होता है। अब यहाँ पर बड़ा उ लिखने के लिए क्या कर रहे थे, अलिफ के ऊपर पेश तो लगा रहे थे लेकिन उसके साथ साथ आप वाव जोड़ रहे थे, अलिफ वाव पेश उ, ठीक हो जा रहा था ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर काफ से तो क हो गया, बट इसको कु बनाना है और बड़ा वाला कु बनाना है, यानी कि बड़ा वाला उ की मात्रा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इस काफ के ऊपर पेश तो लगाएंगे, देखिए थोड़ा दूरी, ये जो हो गया काफ से क, अब इस काफ के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही इस तरह, प्लस वाव भी जोड़ना पड़ेगा। अब इन तीनों को जोड़िए, देखिए काफ का आधा भाग उठाया जाता है, काफ का आधा भाग उठा लिए और काफ के ऊपर क्या कर दिए, पेश लगा दिए, इसी काफ में क्या करेंगे, ये वाला वाव ले जाकर जोड़ देंगे, तो देखिए काफ वाव और पेश मिलकर क्या बन गया, कु। इतना याद रखिएगा, अगर छोटा वाला उ की मात्रा है तो सिर्फ पेश लगा देंगे उस अक्षर के ऊपर तो वो कु की मात्रा में चेंज हो जाएगा, अगर बड़ा वाला उ की मात्रा है तो उस अक्षर के ऊपर पेश तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ साथ वाव लगा देना है। ठीक, फिर से मैं एक बार और समझा दे रही हूँ दूसरा एग्जांपल लेकर। मान लीजिए तू है, एक छोटा वाला तू और एक बड़ा वाला तू। ठीक,
तो आप लोग जानते हैं कि अगर छोटा ऊ की मात्रा में बदलना है तो आप किसी भी अक्षर के ऊपर पेश लगा देंगे, अगर बड़ा वाला तू की मात्रा में बदलना है तो किसी भी अक्षर के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव लगाना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ते से तो त होता है आप लोग जानते हैं, अब इसको छोटा वाला तू बनाने के लिए बस ते के ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे पेश लगा देंगे, तो ते पेश, ये हो गया आप लोगों का छोटा वाला तू। ठीक, अब बात आती है बड़ा वाला तू, तो ते से तुत्ता होता है ये आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर जब पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा छोटा वाला तू, हमको बनाना क्या है बड़ा वाला तू, तो ते के ऊपर पेश लगा दिए, इसके साथ साथ वाव लगाना ज़रूरी होता है, तो वाव जोड़ना होगा, ते पेश तू हो गया और इसमें वाव ज़रूरी है जोड़ना। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, तो देखिए ते ते का आधा भाग उठाया जाता है, तो ते का आधा भाग उठा लीजिए, ते के ऊपर पेश लगाए थे पेश रहने दीजिए, और ये जो वाव है इसी ते में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, मतलब ये जो वाव है ये इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, ते पेश तू हो गया छोटा वाला तू, और वाव तो जोड़ना पड़ेगा ना बड़ा वाला तू बनाने के लिए, तो इसी वाव को ले जाकर ना ये ते का आधा भाग में ऐसे ले जाकर जोड़ दिया जाता है, तो ते वाव पेश तू हो जाता है। उसी तरह मान लीजिए चू है आधा चू, और ये छोटा वाला चू, ये बड़ा वाला चू, तो आप जानते हैं चे से चौ होता है, इसके ऊपर पेश लगा देंगे चू हो गया, अब बड़ा वाला चू बनाना है, तो देखिए ये हो गया आप लोगों का चे से चौ, इसके ऊपर पेश लगा दिए चू हो गया, अब इसको बड़ा वाला चू बनाने के लिए वाव जोड़ना पड़ेगा, जब वाव जोड़ेंगे तो ये कैसे जोड़ेंगे, वाव जो है इस चे के आधा भाग में जाकर जुड़ जाएगा, चे का आधा भाग ऐसे मिट जाएगा। ठीक, और ये जो वाव है ये आकर ऐसे यहीं पर जुड़ जाएगा, और ये चे के नीचे तीन ठो नुक्ता रहेगा। तो देखिए चे में वाव जुड़ गया, ऊपर पेश है, तो ये हो गया आप लोगों का बड़ा वाला चू, ये हो गया आप लोगों का छोटा वाला चू, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो इसी तरह दो अक्षर से मिलकर बने छोटा ऊ बड़ा ऊ, मतलब सभी तरह के ऊ मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके हर चीज़ समझाती हूँ कि कैसे शब्दों को आप लोग लिखेंगे। ठीक, तो पहले मैं यहाँ से मिटा देती हूँ ये सारा चीज़ें जो मैं लिखी हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है वो है चुप। चुप में सबसे पहला अक्षर क्या है, चू। तो सबसे पहले आप लोग को यही सोचना है कि चौक उर्दू में क्या कहते हैं, तो चौक उर्दू में चे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए चे से च हो गया। अब देखिए ऊ की मात्रा है चू, यानी कि ऊ की मात्रा है, तो कौन से ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है कि बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं, यानी कि इस चे के ऊपर हम लोग ऐसे पेश जोड़ देंगे। ठीक, तो ये चे पेश चू हो गया, बस बात ख़त्म। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, लास्ट वाला अक्षर प, प को उर्दू में पे कहते हैं, पे के नीचे तीन ठो बिंदु रहता है। ठीक, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आसानी से चुप लिखा जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए चे का आप लोग जानते हैं आधा भाग, इतना भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये देखिए चे से च हो गया, उसके ऊपर पेश लगाइए, चे पेश चू हो गया, हो गया। उसके बाद से ये जो पे है पूरा का पूरा ले जाकर, पूरा का पूरा ये पे इसी चे के पास चे में जोड़ दीजिए ऐसे, तो देखिए चे पेश चू हो गया, और ये पे से प, ये हो गया आप लोगों का चुप। देखिए कितना आसानी से लिखा गया चुप। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर पेश दिया गया है इसको दिखाया नहीं जाता है, इसको मिटा दिया जाता है, मन में माना जाता है कि चे के ऊपर क्या है, पेश है। ठीक, कहीं पर भी आप उर्दू में लिखा हुआ देखेंगे, ना ज़बर रहता है, ना ज़ेर रहता है, ना पेश रहता है, मन में माना जाता है कि क्या है, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह है। तो यहाँ पर ऊपर पेश तो है लेकिन हम लोग दिखाएंगे नहीं, मन में मानेंगे कि ऊपर क्या है, पेश है। वैसे मान लीजिए पेश नहीं है तो आप लोग सोचेंगे कि इसको हम लोग चप भी तो पढ़ सकते हैं, तो चप का कोई मतलब है हो रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है, ऊपर पेश रहेगा तो चुप पढ़ा जाएगा, तो चुप का हाँ मतलब निकल रहा है कि चुप का कोई मतलब होता है, अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का चुप, पेश दिखाना नहीं है, बस मान लेना है कि मन में यहाँ पर क्या है, पेश है। ठीक है, आगे बढ़िए सुन। सुन में पहला अक्षर क्या है, सु। सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिए फटाफट सीन, ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ, और उसके बाद से क्या है, सु। अब सु में देखिए कौन सा ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, और जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम अक्षर में क्या करते हैं, पेश जोड़ देते हैं। तो सीन से स हो गया, इसको सु बनाने के लिए, छोटा वाला सु बनाने के लिए हम इस सीन के ऊपर पेश जोड़ देंगे, तो सीन पेश
सु हो गया, ठीक। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, ना। ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ये हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए सीन का आधा भाग ये नोकीदार पार्ट उठाया जाता है, उठा लीजिए ये इतना, ठीक। ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ। सु बनाने के लिए ये पेश ले जाकर जोड़ेंगे, सीन पेश सु हो गया। उसके बाद से ये जो नून है पूरा का पूरा नून ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए सीन पे सु हो गया और नून से ना सुन, कितना आसानी से सुन लिखा गया, ठीक, चुप सुन। तो अब मैं आप लोग को अभी क्या बताई कि पेश को दिखाना नहीं है, इसको छुपा लेना है, मन में मानना है कि सीन के ऊपर क्या है, सु है, ठीक। मान लीजिए अगर पेश नहीं रहता तो आप इसको सन थोड़ो ना पढ़ते, सन का कोई मतलब नहीं होता है, सुन का मतलब समझ में आता है कि हाँ सुन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सुन, पेश नहीं दिखाना है। आगे बढ़िए तुम। अब इसी तरह जितने भी शब्दों को मैं यहाँ लिखी हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पर बनाई हूँ दोनों चुप सुन, इसी तरह सारा शब्द बनता चला जाएगा। देखिए तुम में सबसे पहला अक्षर क्या है, तू। तौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तौ को उर्दू में ते कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट ते लिख दीजिए, ते से तो त हो गया। तू बनाने के लिए ते के ऊपर क्या करेंगे, पेश जोड़ेंगे। देखिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो ते के ऊपर मैं पेश जोड़ दी, तो ये हो गया ते पेश तू। और उसके बाद से मौ है, मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मौ को उर्दू में मीम कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट मीम लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप लोग जानते हैं कि ते का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए ते का ये आधा भाग। ये हो गया आप लोग का ते से त। अब इसको तू बनाने के लिए, छोटा वाला तू है तो इसके ऊपर ये पेश जोड़ी थी तो पेश लगा दीजिए अभी समझने के लिए। तो ये हो गया ते पेश तू। और उसके बाद से मीम, ये जो पूरा का पूरा मीम है ले जाकर इसी ते में ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये देखिए ते पेश तू और मीम से माँ, ये हो गया आप लोगों का तुम, ठीक। अब पेश मिटा दीजिए, मान लीजिए मन में कि ते के ऊपर क्या है, पेश है, ठीक। इसी तरह जितना भी शब्द है आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दूर, दूर में सबसे पहला अक्षर क्या है, दू। द को उर्दू में क्या कहते हैं, द को उर्दू में दाल कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट दाल लिख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, दू है। तो अब देखिए यहाँ पर कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो दू में आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि दू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। और जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर पेश तो लगाते ही लगाते हैं, प्लस उसमें वाव जोड़ना पड़ता है, ठीक। तो दाल के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, दाल में वाव भी जोड़ेंगे। तो दाल में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला दू बन जाएगा। तो ये हो गया, दाल में पेश जुड़ा है उसके साथ साथ मैं वाव जोड़ दी हूँ, तो ये हो गया बड़ा वाला दू। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो रे लिख दीजिए, बस अब इन सब को जोड़ दीजिए। देखिए दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह, जिस तरह लिखा है उसी तरह का उसी तरह यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया आप लोग का दाल से द। ऊपर पेश लगाना ज़रूरी होता है, नहीं, ऊपर पेश नहीं लगाया जाता है, बस मन में माना जाता है कि ऊपर क्या है, पेश है। तो चलिए मान लीजिए दाल के ऊपर क्या है, पेश है, तो दाल पेश दू, छोटा वाला दू हो जाएगा। तो दाल में क्या करेंगे, ये जो वाव है ये ले जाकर चिपका देंगे। तो दाल वाव और ऊपर क्या था, पेश था, चलिए मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो दाल वाव पेश दू हो गया, ये बड़ा वाला दू। और उसके बाद से ये जो र है यानी कि रे ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया रे से र। तो देखिए दूर कितना आसानी से लिखा गया, बस ये जो ऊपर वाला पेश है इसको मिटा दीजिए। मन में मान लीजिए कि ऊपर क्या है, पेश है। तो दाल वाव पेश दू हो गया था और रे से र, ये क्या लिखा गया, दूर। देखिए कितना आसानी से, ठीक। आगे बढ़िए नूर, नूर में सबसे पहला अक्षर क्या है, नू। नौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो नून कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए फटाफट नून, नून से तो नौ हो गया। यहाँ पर क्या है, नू है। तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव जोड़ते हैं। तो यहाँ पर नून के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इस नू के साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, ठीक। इस नू में क्या जोड़ेंगे, वाव। तो नून में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला नू हो जाएगा। उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए नून का आप जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का नून का आधा भाग, नून से ना। अब इसको नू बनाने के लिए बड़ा वाला नू है ना, तो ये जो वाव है
इसी नून में ले जाकर जोड़ दीजिए और ऊपर पेश तो रहेगा ही, तो नून के ऊपर पेश है और इसी में वाव जुड़ गया, यानी कि नून वाव पेश नू, बड़ा वाला नू हो गया। और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर चिपका दीजिए, तो रे से ड्रा, देखिए नूर कितना आसानी से लिखा गया। अब ये पेश को मिटा दीजिए, ऊपर वाला पेश नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पर मैं आप लोगों को पेश समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो नून वाओ पेश ऊपर था, ऊपर है अभी भी है, लेकिन मैं मिटा दी हूँ। ठीक, तो नून वा पेश नू और रे से रा नूर। ठीक, आगे बढ़िए। फूल, फूल में सबसे पहला अक्षर क्या है? फ। फ को उर्दू में क्या कहते हैं? फ को जिस तरह पी से प और पी एच से फ, इन द सेम वे पे से प होता है, और पे में जब एच यानी कि ये हे जोड़ते हैं तो ये पे और पे में एच यानी कि ये हे जुड़कर क्या हो जाता है, इसी पे में क्या होता है, ये हे जो है आधा भाग मिट जाता है और ये वाला हे जो है ऐसे जाकर ऐसे जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है फ। ठीक, यानी कि पे में एच ये वाला हे जो है जाकर जुड़ जाता है और ये फ बन जाता है। तो देखिए ये है आप लोगों का फ, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आप लोगों का फ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? फू है। देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस अक्षर में पेश तो जोड़ते ही हैं, जोड़ते हैं उसके साथ साथ उसमें वाव भी जोड़ते हैं। तो फ में वाव और पेश जुड़कर ये बड़ा वाला फू हो जाएगा। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, यहाँ पर लाम लिख दीजिए। ठीक, अब इन सबको जोड़िए। फ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आप लोगों का फ। ठीक, और उसके बाद से पेश तो ऊपर रहेगा, मान लीजिए ऊपर क्या है पेश। ठीक, और उसके बाद से ये जो वाव है इसी फ में ले जाकर जोड़ दीजिए। ठीक, तो फ में वाव और ऊपर क्या है, ऑलरेडी पेश है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मानिए मन में मानिए कि ऊपर क्या है पेश है। ठीक, ये वाला पेश, तो फ में वाव और पेश जुड़कर क्या हो गया, बड़ा वाला फू, और उसके बाद से ये जो लाम है ले जाकर बस चिपका दीजिए, तो ये हो गया लाम से ला। कितना आसानी से फूल लिखा गया, देखिए फ में वाव और पेश जुड़कर फू और लाम से ला फूल। ठीक, अब मैं आप लोग को फटाफट ये करके, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक, अब मैं फटाफट ये करती हूँ। देखिए दूध, द को उर्दू में क्या कहते हैं? दाल कहते हैं, लिख दीजिए। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला कि बड़ा वाला? तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो पेश लगाएंगे उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे क्योंकि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। उसके बाद से ध है, जिस तरह डी से द और डी एच से ध, इन द सेम वे उर्दू में दाल से द, दाल से द और दाल में एच, एच को उर्दू में कहते हैं हे, ये वाला है। ठीक, तो ये वाला हे जो है आप ले जाकर दाल में जोड़ देते हैं, तो दाल में हे यानी कि एच जुड़कर ये हो जाता है ध, ये है आप लोगों का ध। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, दाल से द हो गया। अब इसमें वाव जोड़ दीजिए और ऊपर पेश, मान लीजिए ऊपर पेश है, तो दाल में वाव और ऊपर पेश जुड़कर क्या हो गया है, ये बड़ा वाला दू, और उसके बाद से ये वाला जो ध है पूरा का पूरा यहाँ पर जिस तरह लिखा है वही उसी तरह यहाँ पर भी आप लोग लाकर लिख देंगे ऐसे। ठीक, देखिए दाल वाव और पेश मिलकर दू हो गया, और उसके बाद से ये हो गया आप लोग का ध, तो दूध। देखिए कितना आसानी से लिखा गया दूध, सिंपल। बस आप लोग को हर एक चीज़ पर मतलब ध्यान से आप लोग कंसंट्रेशन के साथ आप लोग को समझना है। ठीक है, आगे बढ़िए। बुध, बुध में सबसे पहला अक्षर क्या है? ब। ब को उर्दू में क्या कहते हैं? तो बे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, ये हो गया आप लोगों का बे से ब। अब देखिए यहाँ पर बू है, तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ कि बड़ा वाला ऊ? तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है। जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेश जोड़ देते हैं उस अक्षर के ऊपर। तो इस बे के ऊपर क्या कर देंगे, पेश जोड़ देंगे, तो बे में पेश जुड़कर क्या हो जाएगा, बू, और उसके बाद से ध है। ध को मैं अभी बताई, ये इस तरह होता है ध, तो लिख दीजिए ध। ठीक, अब देखिए बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो बे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, और ये जो दाल है इसी बे में जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, और ये जो हे है ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए बे के ऊपर पेश है, मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन मन में मानिए, बे पेश बू हो गया, और ये हो गया आप लोगों का ध, तो ये हो गया आप लोगों का बुध। ठीक, देखिए कितना आसानी से। आगे बढ़िए, पुल, पुल में सबसे पहला अक्षर क्या है? प। प को उर्दू में क्या कहते हैं, सोचिए, प को उर्दू में पे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिए पे से प हो गया, प
पू है तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उस अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं, तो पे के ऊपर क्या करेंगे पेश जोड़ देंगे। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत ही सिंपल है लिखना। देखिए पे का आधा भाग उठाइए, उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का पे से प, और ऊपर मान लीजिए आ गया आप लोगों का पेश, तो पे के ऊपर पेश होकर पेश जुड़कर क्या हो गया पू, और उसके बाद से ये जो लाम है ले जाकर इसी पे में ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए पे में ये लाम जुड़कर पे पेश, पे के ऊपर तो पेश है, पू हो गया लाम से ला, देखिए पुल। ठीक, मन में मानना है कि पे के ऊपर क्या है पेश है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पुल। उसके बाद है अगला है कुल। क को उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में काफ कहते हैं। काफ से क हो गया, यहाँ पर कु है। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। क्या करेंगे हम, काफ के ऊपर पेश जोड़ देंगे तो छोटा वाला कु हो जाएगा, हो गया कु। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। काफ का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए काफ का ये आधा भाग। ये जो अब सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर सीधा ना रहकर अब यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, ये जो सीधा भाग था अब यहाँ पर कर्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का काफ से क, और इसके ऊपर मान लीजिए पेश आ गया, तो काफ पे ये वाला जो पेश है मान लीजिए यहाँ पर है, बस लिखना नहीं है, तो काफ पेश कु हो गया। और उसके बाद ये जो लाम है ले जाकर इसी काम काफ में चिपका दीजिए। तो देखिए काफ पे, काफ के ऊपर पेश जुड़कर कु और लाम से ला, कुल। सिंपल, आगे बढ़िए। धुन, ध को उर्दू में क्या कहते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताई, ये देखिए ध। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का ध, दाल में जब एज जोड़ते हैं तो ध बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का ध, लेकिन यहाँ पर क्या है धू है। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो क्या करेंगे ध के ऊपर पेश जोड़ देंगे तो धू हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। अब जोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिस तरह ध लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए। ये देखिए ध हो गया, और उसके बाद से इसके ऊपर मान लीजिए पेश आ गया है, पेश लिख नहीं रही हूँ, मानना है बस मन में ये पेश है। ठीक, तो ध के ऊपर पेश आ गया तो धू हो गया। उसके बाद से ये जो नून है ले जाकर इसी ध में जोड़ देना है। तो देखिए ध के ऊपर पेश ऑलरेडी है, लिखी नहीं हूँ, धू और नून से ना, तो धुन। देखिए कितना आसानी से, उसी तरह धूम, धूम में सबसे पहला अक्षर ध, ध को मैं अभी यहाँ पर भी बताई थी, ध इस तरह लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया ध, लेकिन यहाँ पर देखिए धू है, तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। ये वाले धू में छोटा वाला ऊ की मात्रा था इधर से, अब ये वाले धू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो क्या करेंगे, जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहते हैं तो पेश तो जोड़ते ही जोड़ते हैं ऊपर, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ते हैं। उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, मौ, मौ को उर्दू में मेम कहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन सब को जोड़िए, ध जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखिए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ध, ऊपर मान लीजिए पेश है और वाव जोड़ दीजिए इसी में, ये वाला जो वाव है इसमें जोड़ दिए। तो देखिए ध है, इसी में वाव और ऊपर पेश जुड़कर बड़ा वाला धू हो गया। उसके बाद से मीम जो है ना, ये वाला मौ ये ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए ध में वाव और पेश जुड़कर धू और मीम से मौ, धूम। ठीक, ऊपर मैं पेश नहीं लिख रही हूँ, ठीक ये याद रखना है। गुम, गुम में सबसे पहला अक्षर क्या है, ग। ग को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट गाफ लिख दीजिए। गाफ से ग हो गया, यहाँ पर गु है। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर पेश जोड़ दीजिए। ठीक, और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर म, म को उर्दू में मीम कहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए गाफ का आप लोग जानते हैं आधा भाग इतना उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का गाफ से ग। अब इसके ऊपर मान लीजिए पेश है, ये वाला पेश लिखी नहीं हूँ, बस मन में मानना है। ठीक, ये वाला पेश यहाँ पर भी है, तो ये हो गया गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु, और उसके बाद से ये जो मीम है इसी गाफ में ले जाकर, ये पूरा का पूरा मीम ले जाकर ऐसे ऐसे बना देना है। ठीक है, तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु और मीम से म, गुम। सिंपल, आगे बढ़िए। कुछ, कुछ में सबसे पहला अक्षर क्या है, क। क उर्दू में काफ कहते हैं, काफ लिख दीजिए। और उसके बाद से देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा रहेगा तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पेश। और उसके बाद से छ है, जिस तरह सी एच से च, और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं सी डबल एच से छ, इन द सेम वे उर्दू में चे से च होता है इस तरह,
और चे में ये वाला हे, यानी कि ये इसको बोलते हैं एच, उर्दू में हे बोलते हैं इसको, ठीक। ये इसी चे में ये हे जो ले जाकर ऐसे जोड़ देते हैं, तो चे में हे जुड़कर ये हो जाता है छ, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का छ। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप जानते हैं काफ का इतना ही भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए काफ का इतना ही भाग, उठा ली, ठीक। ये हो गया आप लोग का काफ से क। उसके बाद से कू, कू है ना, यानी कि पेश ऊपर है, समझ लीजिए काफ के ऊपर क्या है, पेश है। काफ के ऊपर पेश जुड़कर कू हो गया। और उसके बाद से छ, ये जो छ जिस तरह का जिस तरह लिखा है ना, उसी तरह लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। जिस तरह ये छ लिखा है यहाँ पर, उसी तरह मैं इसी काफ में लाकर ऐसे जोड़ दी, सिंपल। तो देखिए काफ के ऊपर मन में मान लेना है क्या है, पेश। तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर कू और उसके बाद से छ, तो कुछ। देखिए कितना आसानी से। आगे बढ़िए शालू। शालू में सबसे पहला अक्षर क्या है, शाह, तलाबी शाह है यहाँ पर। तो इस शाह को उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी शीन। तो यहाँ पर लिख दीजिए बड़ी शीन से, ये हो गया आप लोगों का शाह। बट यहाँ पर क्या है, शाह है। आ की मात्रा में बदलना है, जब किसी हर्फ को किसी भी अक्षर को आ की मात्रा में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलिफ जोड़ते हैं। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस शीन से तो शाह हो गया, शाह बनाने के लिए इस शीन में क्या करेंगे आप, अलिफ जोड़ेंगे। तो शीन में अलिफ जुड़कर शाह हो जाएगा। और उसके बाद से लू है, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। तो यहाँ पर लाम लिख दीजिए। और उसके बाद से लाम से तो ला हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, लू है। तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो आप क्या करेंगे, लाम के ऊपर पेश तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं शीन का ही आधा भाग नुकीदार पार्ट उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए ये हो गया आप लोगों का शीन से शाह, लेकिन शाह बनाना है, यानी कि ये जो अलिफ है इसी शीन में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो शीन में अलिफ जुड़कर शाह, और उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये लाम से ला हो गया, और लाम के ऊपर क्या है, पेश। तो आप लाम के ऊपर पेश नहीं देंगे, मन में मान लेंगे क्या है, लाम के ऊपर पेश है। और ये जो वाव है ये लाम में ले जाकर जोड़ देंगे। तो लाम में वाव और ऊपर ऑलरेडी क्या है, पेश। तो लाम में वाव और पेश जुड़कर लू, बड़ा वाला लू हो जाएगा। तो देखिए शीन में अलिफ जुड़कर शाह, लाम में वाव और पेश जुड़कर लू, तो शाह और लू, शालू, सिंपल। आगे बढ़िए तालू। जिस तरह शालू लिखे उसी तरह तालू भी लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर ता आ गया है। ता को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं। ते लिख दीजिए, ये हो गया ते से ता। ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, प्लस लू है, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, और प्लस देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो उस पर पेश तो जोड़ेंगे ही, लाम पर उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। अब देखिए आप लोग जानते हैं ते का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का ते से ता। ता बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर ते में ऐसे जोड़ देंगे, ते में अलिफ जुड़कर ता। अब देखिए लाम का आधा भाग उठा लीजिए, जिस तरह यहाँ पर उठाए थे, और उसके बाद से वाव, ये जो वाव है ले जाकर लाम में जोड़ दीजिए, और ऊपर तो पेश मान लीजिए है ही है, ठीक है। तो ते में अलिफ जुड़कर ता, और लाम में वाव और पेश जुड़कर लू, ता और लू, तालू। उसी तरह मामू। मामू में सबसे पहला अक्षर माँ, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम लिख दीजिए, प्लस माँ है, माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, मुँह है, फिर यानी कि माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पेश जोड़ते हैं, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ते हैं, ठीक। अब देखिए मीम का ही आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए मीम का आधा भाग। मीम से माँ हो गया, माँ बनाने के लिए ये जो अलिफ है ले जाकर इसी मीम में जोड़ देंगे। तो मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और देखिए मीम का ये फिर से ये आधा भाग उठाइए, देखिए उठा लिए, मीम से माँ हो गया। अब देखिए ये मीम के ऊपर जो पेश है, यहाँ पर भी मान लीजिए पेश है, बस हम लोग लिख नहीं रहे हैं। तो मीम के ऊपर तो पेश है, उसके साथ साथ ये जो वाव है इसी मीम में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखिए मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और मीम में वाव और ऊपर पेश जुड़कर मुँह, तो माँ और मुँह, मामू। उसी तरह कालू। कालू में पहला अक्षर क्या है, का। को उर्दू में काफ कहते हैं, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, लू है, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, और बड़ा वाला लू है, तो ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, ठीक है। काफ का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए।
अब ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर गोल हो जाएगा ऐसे, ये हो गया आप लोगों का काफ से का। का बनाने के लिए जो अलिफ है काफ में ऐसे जुड़ जाएगा, तो काफ में अलिफ जुड़ कर का, और उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, लाम से ला हो गया, उसके ऊपर पेश तो ऑलरेडी है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, उसके बाद से ये जो वाव है इसी लाम में ले जाकर जोड़ देंगे। तो काफ में अलिफ जुड़ कर का, लाम में वाव और पेश जुड़ कर लू, का और लू, कालू। ठीक, उसी तरह चाचू है, चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिए चे से चा, और उसके बाद से चा बनाना है तो अलिफ जोड़ेंगे, चू है चौक उर्दू में चे, और उसके बाद से देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो चे के ऊपर पेश तो जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग जानते हैं चे का ही आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का चे से चा। चा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी चे में ऐसे जोड़ देंगे, तो चे में अलिफ जुड़कर चा, और उसके बाद से चे का ये फिर से आधा भाग उठाना है तो उठा लिए, ये हो गया चे से चा, ऊपर पेश है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पेश नहीं लिखेंगे लेकिन ये जो वाव है इसी चे में ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए चे में अलिफ जुड़कर चा, चे में वाव और ऊपर पेश तो ऑलरेडी है, तो चे में वाव और पेश जुड़कर चू, चा और चू, चाचू। आगे बढ़िए खालू, खालू में सबसे पहला अक्षर क्या है, खा। खा को उर्दू में क्या कहते हैं, खे कहते हैं, तो खे लिख दीजिए, खे से खा हो गया, खा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, लू है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, लू बनाने के लिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो ऊपर पेश जोड़ेंगे और फिर से वाव जोड़ेंगे। ठीक, ख आप लोग जानते हैं खे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये देखिए खे से खा हो गया, खा बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर जोड़ दीजिए, खे में अलिफ जुड़कर खा हो गया, लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, और ऊपर क्या है पेश तो ऑलरेडी है ही लेकिन ये जो वाव है लाम में जोड़ देना है। ठीक, तो खे में अलिफ जुड़कर खा, लाम में वाव और ऊपर पेश जुड़कर लू, खा लू, खा लू। आगे बढ़िए काजू, काजू में सबसे पहला अक्षर क्या है, क है, यानी कि का। काफ, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ से क हो गया, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, प्लस जू है, जौ को उर्दू में जिम कहते हैं। अब देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो इसके जिम के ऊपर पेश लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ देंगे। अब देखिए आप लोग जानते हैं काफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, काफ का ये आधा भाग बस ये सीधा वाला पार्ट है, यहाँ पर गोल हो जाएगा कर्व। ठीक, काफ से क हो गया, का बनाने के लिए जो अलिफ है काफ में जोड़ देंगे, का हो गया, और उसके बाद से जिम का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, और इसके ऊपर तो पेश है ही है यहाँ पर, बस ये जो वाव है इसे जिम में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। ठीक, तो काफ में अलिफ जुड़कर का, जिम में वाव और पेश जुड़कर जू, काजू। उसी तरह राजू, रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, ज है, जू है, तो ज को उर्दू में जिम कहते हैं, और उसके बाद से बड़ा वाला जू है तो ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। तो देखिए रे में अलिफ जुड़कर रा बना दीजिए, ये देखिए रे में अलिफ जुड़कर रा, और उसके बाद से जिम का ये आधा भाग उठा लीजिए, जिम से ज हो गया, उसके ऊपर पेश है और फिर ये जो वाव है इसी जिम में जोड़ दीजिए। देखिए रे में अलिफ जुड़कर रा, जिम में वाव और पेश जुड़कर जू, रा और जू, राजू। उसी तरह बालू, बालू में सबसे पहला अक्षर बा, बा को उर्दू में बे कहते हैं, लिख दीजिए बे से बा, और फिर बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, लू है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो ऊपर पेश लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए बे का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का बे से बा। अब बा बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, बा हो गया, उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, उसके ऊपर पेश तो है यहाँ पर ऑलरेडी, और बस ये जो वाव है इसी लाम में ऐसे जोड़ देना है। तो बे में अलिफ जुड़कर बा, लाम में वाव और पेश जुड़कर लू, बालू। उसी तरह काबू, काबू में पहला अक्षर क्या है, का। का को उर्दू में काफ कहते हैं, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, ब है, ब बू, तो ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला, तो ऊपर क्या करेंगे पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। ठीक, काफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, अब ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर गोल हो जाता है। अब काफ से तो का हो गया, का बनाने के लिए जो अलिफ है इसी में जोड़ दीजिए, ये हो गया का, और उसके बाद से बे का ये आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए, ऊपर पेश है तो यहाँ पर भी ऊपर पेश रहेगा लेकिन हम लोग दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये जो वाव है इसी बे में ले जाकर जोड़ देंगे। देखिए काफ में अलिफ जुड़कर का, और बे में वाव और पेश जुड़कर बू, का बू, काबू। ठीक, उसी तरह मनु है, मनु में सबसे पहला अक्षर है मौ, मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, तो सिंपली मीम लिख दीजिए, उसके बाद से नू है, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। अब देखिए आप लोग जानते हैं मीम का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये देखिए
मीम से मा, उसके बाद से नून का ही आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया नून से ना, नून के ऊपर पेश है तो यहाँ पर मान लीजिए पेश है, और उसके बाद से ये जो वाव है इसे नून में से जोड़ देंगे, तो मीम से मा और नून, नून में वाव और पेश जुड़कर नू, मा नू मनु। ठीक, सेतु, सेतु में एक मिनट, अभी आप लोगों को अ आ छोटी बड़ी और ऊ की मात्रा अभी बता चुकी हूँ, ए यहाँ पर ए की मात्रा वाला है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ए की मात्रा पढ़ाना है, तो यहाँ पर गलती से क्या हो गया है, से यानी कि ए की मात्रा वाला आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी ए की मात्रा पढ़ाई नहीं हूँ, तो इसको सतु पढ़ लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेतु ना पढ़कर सतु पढ़ लेते हैं, भले इसका अर्थ ना हो, गलती से लिखा गया था सेतु, ए वाले ए मात्रा वाला शब्द लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स है, स को उर्दू में सीन कहते हैं, उसके बाद से तू है, त को उर्दू में ते कहते हैं, और उसके बाद से ऊ, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो पेश लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, है ना, वाव अच्छा से लिख दूँ, अब इन सबको जोड़िए, सीन का ही आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, सीन से स हो गया, उसके बाद से ते का ही आधा भाग उठा लीजिए, ते से त, और ते के ऊपर पेश तो है ही है, उसके बाद से ये जो वाव है जोड़ देना है, सीन से स, ते में वाव और पेश जुड़कर तू, स तू। ठीक, उसके बाद से बुरा, बुरा में सबसे पहला अक्षर क्या है, ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, बे से तो ब हो गया, अब यहाँ पर बू है तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो क्या करेंगे आप, सिर्फ इस बे के ऊपर पेश लगा देंगे, क्योंकि छोटा वाला ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो बे के ऊपर पेश जुड़कर बू हो गया। अब देखिए, रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं बे का ये आधा भाग उठाया जाता है, बे का आधा भाग उठा लिए, बे से तो ब हो गया, लेकिन बे के ऊपर क्या है, पेश, तो यहाँ पर भी बे के ऊपर ऐसा मान लेंगे कि पेश है, तो बे पेश बू हो गया। अब ये जो रे है, रे इसी बे में ऐसे जुड़ जाएगी, तो रे जुड़ गई, और उसके बाद से रे में आप लोगों को रा बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर ऐसे चिपका देंगे, तो बे के ऊपर पेश है तो बू हो गया, रे में अलिफ जुड़कर रा, बुरा। ठीक, आगे बढ़िए, बुला, बुला में सबसे पहला अक्षर क्या है, बू, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो बे के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देंगे, उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। देखिए, अब इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए, बे से ब हो गया, बे के बू, यहाँ पर बू है ना, तो बे के ऊपर पेश रहेगा, तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि बे के ऊपर क्या है, पेश है, तो बे पेश बू हो गया, उसके बाद से ये लाम का आधा भाग ऐसे जोड़ दीजिए, ये लाम का आधा भाग उठा ली मैं, लाम का आधा भाग हो गया। ठीक, और उसके बाद से लाम से तो ला हो गया, लेकिन ला बनाने के लिए जो अलिफ है इसी लाम में ऐसे जोड़ देंगे। देखिए, बे के ऊपर पेश तो ऑलरेडी है, मैं लिखी नहीं हूँ, तो बे के ऊपर पेश जुड़कर बू और लाम में अलिफ जुड़कर ला, बुला। ठीक, आगे बढ़िए, सुना, सुना में सबसे पहला अक्षर क्या है, सू, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया, उसके बाद से यहाँ पर सू है, तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं, तो सीन के ऊपर पेश जोड़ दिए तो सू हो गया, और उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, प्लस ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। ठीक, सीन का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ, और उसके बाद से नून का ये आधा भाग उठा लीजिए, नून से नौ हो गया, और उसके बाद से नून में आप अलिफ जोड़ दीजिए, नून में अलिफ जुड़ कर ना, तो देखिए सीन से सौ नहीं, सीन के ऊपर क्या है, पेश। ठीक, तो यहाँ पर पेश मैं नहीं लिखी हूँ, मन में मानना है कि सीन के ऊपर क्या है, पेश है, तो सीन के ऊपर पेश जुड़कर सू और नून में अलिफ जुड़कर ना, सुना। ठीक, आगे बढ़िए, दुम, दुम में सबसे पहला अक्षर क्या है, दू है, दो को उर्दू में दाल कहते हैं, लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो दाल के ऊपर आप सिंपली सिर्फ पेश दे देंगे, तो दाल के ऊपर पेश जुड़कर दू हो जाएगा, उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए दाल के ऊपर ऑलरेडी पेश है, तो यहाँ पर आप लोग मान लेंगे कि दाल के ऊपर क्या है, पेश है, तो दाल के ऊपर पेश जुड़कर दू, और ये जो मीम है बस ले जाकर दाल के पास ऐसे चिपका देना है। ठीक, तो दाल के ऊपर पेश है तो दू हो गया, और मीम से माँ, दुम, सिंपल। आगे बढ़िए, रूप, रूप में सबसे पहला अक्षर क्या है, रू, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रे लिख दिए, प्लस रू है, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला कि बड़ा वाला, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो रे के ऊपर आप तो पेश जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, उसके बाद से प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, तो लिख दीजिए पे से पा, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए, रे
लिख दिए, रे के ऊपर ऑलरेडी पेश है, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मन में माना जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद से ये जो वाव है रे के पास ले जाकर चिपका दीजिए। तो रे में वाव और ऊपर पेश जुड़कर रू हो गया, बड़ा वाला रू, और उसके बाद से प, ये जो पे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो पे से प, देखिए रूप लिखा गया। आगे बढ़िए मूली। मूली में सबसे पहला अक्षर क्या है, मू। माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से माँ हो गया। मुँह बनाने के लिए देखिए सबसे पहले कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम क्या करते हैं, पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ते हैं। उसके बाद से ली है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, और उसके बाद से ली है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुकी थी ई की मात्रा में बदलने के लिए, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी अक्षर को ई की मात्रा में बदलना है तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कौन सा वाला ई की मात्रा है। अगर छोटा वाला ई की मात्रा रहता ली में तो इधर से, और अगर बड़ा वाला ई की मात्रा रहता तो इधर से ली रहता। तो यहाँ पर कौन सा वाला ई की मात्रा है, बड़ा वाला ई की मात्रा है। तो जब बड़ा वाला ई की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर में छोटी ये जोड़ देते हैं। तो लाम में छोटी ये जोड़कर ली बना दिए। अब इन सबको जोड़िए, देखिए मीम का आप ये बिंदु वाला भाग उठा लीजिए, मीम का बिंदु वाला भाग उठा लिए, इसके ऊपर पेश तो है ही है मान लेंगे मन में, तो मीम के ऊपर पेश है, बस ये मीम में क्या करना है, वाव जोड़ देना है। तो वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो मीम में वाव और पेश जोड़कर मू, और उसके बाद से लाम का ये जो आधा भाग है ये उठा लीजिए, और लाम से तो ला हो गया, ली बनाने के लिए ये छोटी ये जो है इसी लाम में से जोड़ दीजिए। तो देखिए मीम में वाव और पेश जुड़कर मुँह, और लाम में छोटी ये जुड़कर ली, मू ली मूली, ठीक। आगे बढ़िए भालू। भालू में सबसे पहला अक्षर क्या है, भा। भ को जिस तरह बे से, बी से बा, बी एच से बा, इन द सेम वे उर्दू में बे से बा, और बे में जब आप लोग एच जोड़ देते हैं यानी कि हे जोड़ देते हैं तो बे में एच जोड़कर भ हो जाता है। यहाँ पर भा है तो भ से भा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से लू है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। लू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ आप वाव भी जोड़ेंगे, ठीक। अब इन सबको जोड़िए, देखिए ये है आप लोगों का भ, जिस तरह भ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये हो गया भ। अब इसको भा बनाने के लिए इसी भ में ये जो अलिफ है ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो भ में अलिफ जुड़कर भा हो गया। उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, इस पर पेश तो है ही है ऑलरेडी, बस ये वाव जो है लाम में ले जाकर जोड़ देना है। तो भ में अलिफ जुड़कर भा, लाम में वाव और पेश जुड़कर लू, भालू। आगे बढ़िए शुरू। शुरू में सबसे पहला अक्षर क्या है, शु, बड़ा वाला, मतलब यहाँ पर तलाबे शाह है तो इस शाह को उर्दू में क्या कहते हैं, बड़ी शीन, तो यहाँ पर बड़ी शीन से शाह हो गया, लेकिन शु है। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ इस शीन के ऊपर पेश जोड़ देंगे तो शु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगला अक्षर देखिए रू है, रॉ को उर्दू में रे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो अब यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, और जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेश तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबको जोड़िए। शीन का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए शीन का आधा भाग उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का शीन, और उसके ऊपर तो पेश है ही है, मन में मान लेना है कि शीन के ऊपर क्या है, पेश है, तो शीन के ऊपर पेश जुड़कर शू हो गया, और उसके बाद से ये जो रे है इसे शीन में ऐसे आकर जुड़ जाएगा, ठीक। और रे के ऊपर तो पेश, यहाँ पर भी रे के ऊपर क्या है, पेश है, तो यहाँ पर भी पेश है और शीन के ऊपर भी पेश है, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर शीन के ऊपर पेश जुड़कर छोटा वाला शू हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर रे में तो पेश है लेकिन उसके साथ साथ वाव भी जोड़ना पड़ेगा रे में, तब जाकर रे में वाव और पेश जोड़कर बड़ा वाला रू बनेगा, ठीक। शीन में छोटा वाला ऊ था और रू में यानी कि र में बड़ा वाला ऊ था, तो यहाँ पर शीन में सिर्फ पेश जुड़ा और रे में पेश के साथ साथ वाव भी जुड़ा। तो देखिए शीन के ऊपर पेश जुड़कर शू हो गया और रे में वाव और पेश जुड़कर रू, तो शू और रू, शुरू, ठीक है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उर्दू के हिसाब से इस तरह शुरू नहीं लिखा जाता है, ये ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है ना एन जोड़ दिया जाता है ऐसे, तब इसको कम्प्लीटली पढ़ा जाता है शुरू, ठीक ठीक। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उर्दू में इसी तरह लिखा जाता है, अगर आप लोग सीख रहे हैं अभी लिखना तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट होता है उर्दू में ये गलत हो जाएगा, ये एन नहीं रहेगा, इस तरह शुरू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, एन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक। आगे बढ़िए जादू। जादू में सबसे पहला अक्षर क्या है, जा। जा को उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं। जिम से जा हो गया, जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, दू है। दा को उर्दू में दाल कहते हैं,
कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ेंगे। अब देखिए जिम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। जिम से जा हो गया, जा बनाने के लिए जो अलिफ है इसे जोड़ देंगे। जिम में अलिफ जुड़कर जा, और दाल है ठीक, दाल के ऊपर तो ऑलरेडी पेश है ही है, और बस वाओ ले जाकर जोड़ देना है ठीक। तो देखिए जिम में अलिफ जुड़कर जा, दाल में वाओ, और ऊपर पेश जुड़कर दू, जा और दू, जादू। उसी तरह चालू, चालू में सबसे पहला अक्षर क्या है, चा। चा को उर्दू में चे कहते हैं, लिख दीजिए, चे से चा हो गया। चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, प्लस लू है। ला को उर्दू में लाम कहते हैं, प्लस देखिए कौन सा वाला वो की मात्रा है, बड़ा वाला वो की मात्रा है, तो लाम के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ आप वाओ भी जोड़ेंगे ठीक। अब देखिए चे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए चे से चा हो गया, चा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी चे में ले जाकर जोड़ दीजिए, चा हो गया। उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम के ऊपर तो पेश है ही है, मन में मान लेना है। उसके बाद से ये जो वाव है लाम में जोड़ दीजिए, तो चे में अलिफ जुड़कर चा, लाम में वाव, और पेश जुड़कर लू, चालू। उसी तरह आलू, आलू में सबसे पहला अक्षर क्या है, आ, आ, यहाँ पर आ है। आ को उर्दू में क्या कहते हैं, आप तो जानते हैं कि अलिफ के ऊपर अलिफ से अ होता है, लेकिन इसको आ बनाना है। किसी भी अक्षर को च से, चे से तो च हो जा रहा था, चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अलिफ से तो अ हो गया, लेकिन आ बनाने के लिए क्या है, इस अलिफ के अलिफ में एक और अलिफ जोड़ देंगे। नहीं, मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि अलिफ से तो अ हो जाता है, लेकिन आ बनाने के लिए अलिफ के ऊपर हम लोग ऐसे मद जोड़ देते हैं, तो अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ हो जाता है। तो ये हो गया आ, और उसके बाद से लू है। लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, प्लस कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो देखिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो लाम के ऊपर पेश तो जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ेंगे ठीक। अब देखिए ये अलिफ के ऊपर मद जोड़कर आ बना दीजिए, आ हो गया, और लाम का ये जो आधा भाग है उठा लीजिए, और उस लाम के ऊपर तो पेश है ही, मन में मान लेना है, बस ये जो वाव है लाम में जोड़ देना है। तो देखिए अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ, और लाम में वाव, और पेश जुड़कर लू, आ और लू, आलू ठीक। उसी तरह भूल, अगला अक्षर क्या है, भू। भा को उर्दू में अभी मैं बताई थी, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पर बताई थी, भालू लिख रही थी, तो भा इस तरह लिखा जाता है ठीक। और यहाँ पर क्या है, भू है, तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो भा के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ेंगे भा में ठीक। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब सबको जोड़िए, जिस तरह ये भा लिखा है उसी तरह लिख दीजिए यहाँ पर ठीक। ये हो गया, और भा के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन बस ये वाव जो है ना इसी भाव में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए भाव में वाव और पेश जुड़कर भू हो गया, बड़ा वाला भू। अब ये जो लाम जो है ल ले जाकर बस चिपका देना है ऐसे। तो देखिए भाव में वाव और पेश जुड़कर भू, और लाम से ल, भूल। कितना आसानी से आगे बढ़िए, झूम। जिस तरह भूल लिखे उसी तरह झूम भी लिखेंगे, बस यहाँ पर अक्षर चेंज है। झा को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया आप लोग का झा। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर झू है ना, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो इसी झ के ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ेंगे। और म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं ठीक। झ जिस तरह लिखा था उसी तरह लिखिए, झ के ऊपर यहाँ पर पेश है ऑलरेडी, मैं लिख नहीं रही हूँ, मन में मानना है, यहाँ पर पेश है ना, तो यहाँ पर भी पेश रहेगा ठीक। और उसके बाद से बस वाओ जो है ना इसी झ में जोड़ देना है। तो देखिए झ में वाओ और पेश जुड़कर झू हो गया, बड़ा वाला झू, और मीम को ले जाकर ये जो मीम है बस लास्ट में ऐसे चिपका देना है, तो मीम से म, तो ये हो गया झूम, सिंपल। आगे बढ़िए नीलू, नीलू में सबसे पहला अक्षर क्या है, नी। न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून ठीक। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर नी है, तो नी बनाने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा वाला ई की मात्रा है, बड़ा वाला ई की मात्रा कि छोटा वाला ई की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए नी में छोटी वाली ई की मात्रा है ठीक। तो जब भी छोटी वाली ई की मात्रा होती है तो हम उसको ई की मात्रा में बदलने के लिए छोटी ये जोड़ देते हैं। तो नून से तो ना हो जा रहा था, लेकिन नी बनाने के लिए इस नून में छोटी ये जोड़ दी है, तो नून में छोटी ये जुड़कर नी हो जाएगी, बड़ी वाली ई। और उसके बाद से लू है, लॉ उर्दू में लाम कहते हैं, लाम लिख दीजिए। और बड़ा वाला ऊ है, तो यहाँ पर लाम के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ वाओ भी जोड़ेंगे ठीक। नून का आधा भाग उठा लीजिए, आधा भाग ले लिए, नून से ना हो गया। उसके बाद से नी बनाने के लिए छोटी ये तो जोड़ना पड़ेगा, और आप लोग जानते हैं छोटी ये जब जुड़ती है तो अपना शकल चेंज कर लेती है और इस शकल में आ जाती है
ठीक है, तो ये देखिए नून में ये जुड़कर ये नी हो गया, ये जो छोटी ये है अपना शक्ल चेंज कर ली और इस तरह रूप ले ली। ठीक है, तो नून में ये जुड़कर नी हो गया, और उसके बाद से ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, लाम के ऊपर तो पेश है ही है, मन में मान लेना है, बस ये जो वाव है लाम में ऐसे जोड़ देना है। ठीक, तो देखिए नून में ये जुड़कर नी और लाम में वाव जुड़कर और पेश जुड़कर लू, नी और लू, नी लू। ठीक, आगे बढ़िए गुल। गुल में सबसे पहला अक्षर क्या है, गू, गा को उर्दू में गाफ कहते हैं, लिख दीजिए। गू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो सिर्फ गाफ के ऊपर अब क्या करेंगे, पेश जोड़ देंगे। जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं, तो गाफ के ऊपर पेश जोड़ दीजिए। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर गाफ का ही आधा भाग होता है, उठा लीजिए। जब बस ये सीधा वाला भाग जो है ना यहाँ पर गोल हो जाएगा ऐसे, तो ये हो गया गाफ का आधा भाग, इसके ऊपर तो पेश है ही है, मन में मान लेना है, गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु हो गया है, बस ये जो लाम है इसी गाफ में ऐसे जुड़ जाएगा, तो गाफ के ऊपर पेश है और गाफ पेश गु हो गया है, लाम से ला गुल। ठीक, उसी तरह छुप, छुप में सबसे पहला अक्षर क्या है, छ, छ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छ, अब बस यहाँ पर छू है कौन सा वाला ऊ, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो छ के ऊपर क्या करेंगे, पेश जोड़ देंगे, तो छू हो जाएगा। उसके बाद से प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए छ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। अब इस छ के ऊपर तो पेश है ही है, मन में मान लेना है, तो छ के ऊपर पेश जुड़कर छू हो गया है, और उसके बाद से ये जो प है, प जिस तरह ये प है उसी तरह ले जाकर ये पूरा का पूरा ऐसे प छ में जोड़ देना है। ठीक, तो ये हो गया छः के ऊपर पेश जुड़कर छू और पे से प छुप। ठीक, आगे बढ़िए चूहा। चूहा में सबसे पहला अक्षर है चू, च को उर्दू में चे कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, चे से च हो गया। चू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। हा है, हा को उर्दू में हे कहते हैं, हा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। अब देखिए चे का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, उसके ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है वो जोड़ देना है, तो चे में वाव और पेश जोड़कर चू हो गया, बड़ा वाला चू। और ये जो हे है, मैं आप लोग को बताई हूँ, शक्ल चेंज करता है और ऐसा रूप ले लेता है, तो देखिए ये हे जो है, हे से ह हो गया, हा बनाने के लिए इसी हे में अब क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। ठीक, ये वाला हे जो है शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लिया। ठीक है, हे में अलिफ जोड़कर हा, तो चू और हा, चूहा, सिंपल। आगे बढ़िए चूना। चू है सबसे पहला अक्षर, तो चौक उर्दू में चे कहते हैं, लिख दीजिए, चे से च हो गया। चू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा, तो ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। अब देखिए चे का आधा भाग उठा लीजिए, चे का आधा भाग उठा लिए और ऊपर तो पेश है ही है, बस वाव जोड़ देना है, ये वाला चे में वाव और पेश जोड़कर चू हो गया। और नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून से ना, ना बनाने के लिए जो अलिफ है नून में जोड़ दीजिए। ठीक, तो चे में वाव और पेश जुड़कर चू और नून में अलिफ जुड़कर ना, चूना। ठीक, तो इतने सारे शब्दों को जो कि दो अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्द थे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे उर्दू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते, और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई अगर समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वो इंसान जो कि उर्दू को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए और मतलब उर्दू में वो अपनी पकड़ बना सके और उर्दू को सीख सके। ठीक, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करके दूँ और आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।